कल से मध्य प्रदेश समेत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण से पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। कल सुबह 10:30 बजे 150 सेंटरों पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। शुक्रवार शाम तक सबको मैसेज मिल जाएगा। सीएम शिवराज सिंगरौली में रहकर टीकाकरण अभियान पर नजर रखेंगे। वहीं स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री भोपाल में रहकर पूरे प्रदेश के टीकाकरण की व्यवस्था को देखेंगे। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक सेंटरों पर रुकना होगा। एक बूथ पर 100 लोगों को टीके की व्यवस्था की गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। साथ ही जिन्हें सर्दी जुकाम बुखार है उन्हें 4 सप्ताह के बाद वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। वहीं जिनको कोरोना है उनको वैक्सीन नहीं लगेगी क्योंकि ये दवाई नहीं वैक्सीन है। जो देश में वैक्सीनेशन शुभारंभ होगा, मध्य प्रदेश में भी शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे से संबोधित करेंगे। उसी के साथ में मध्य प्रदेश के 150 स्थानों पर हम लोग वैक्सीनेशन शुभारंभ करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने, चिकित्सा विभाग ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारियां की है। जो हमारी टास्क फोर्स कमेटी एनसीएस हमारे विभाग के उनकी अध्यक्षता में बनी थी, उसकी पूरा जिलों में ब्लॉकों में सब चलकर बातचीत हो चुकी है। और जो हमको अभी जो वैक्सीनेशन के डोज 5,06,500 प्राप्त हो चुके हैं। कल 10:30 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। पूरे देश में वो इन प्रेजेंस के माध्यम से सबको संबोधित करेंगे। उसके बाद ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगरौली में स्वयं उपस्थित रहेंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जहाँ पर होगा और माननीय प्रभुराम चौधरी जी और मैं स्वयं भोपाल में रहेंगे। हम इसमें जिस प्रकार से बताया वैक्सीनेटर्स की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारा ड्राई रन 2 जनवरी को भोपाल में और 8 जनवरी को बाकी 51 जिलों में हमारा सक्सेसफुल हुआ है। एक कॉइल में 10 लोगों को वैक्सीन लगना है, उसमें पूरी वैक्सीन ठीक ढंग से लग सके, उसमें कोई वेस्टेज ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था चौक चौबंद की गई है। देश के यशस्वी वैज्ञानिकों के सभी लोगों ने इस बात को स्थापित किया कि ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह से फुल प्रूफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है और इनको लगाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं।